एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर डूइंग ऑल ग्रेट, ऑल गुड। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर के आई हूँ और उस वीडियो में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए एक जो नई वीडियो लेकर के आई हूँ, बेसिकली मैं अपना बैकग्राउंड, यूट्यूब बैकग्राउंड जो है सेटअप कर रही हूँ और मैं चाहती थी आप लोग के साथ वो शेयर करना कि मैंने लो बजट में जो है ना अपना बैकग्राउंड क्रिएट किया, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ और अभी बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और मेरे पास जितना बजट है, क्योंकि अभी अपने जेब से मैं पैसा लगा लगा करके मैं यूट्यूब सेटअप कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, हेलो, मेरा नाम सुमन है, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और अपने चैनल पर शेयर करती हूँ डेली व्लॉग्स, लाइफ स्टाइल, स्क्रीन रिलेटेड वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़, हॉल वीडियोज़। तो अगर आप लोग ऐसी वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल से जुड़ जाओगे और बेल आइकन को हिट कर लेना, जिससे आपका मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की हैंडल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो लेट्स बिगिन। तो ये जो है आज मेरे हस्बैंड जी जो हैं, मतलब पति देव जो हैं, वो मेरे इस यूट्यूब सेटअप को क्रिएट करने में फुल सपोर्ट करेंगे। पूरा जो क्रिएट करेंगे वो वही करेंगे, पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मतलब ये जितना भी काम है वो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। तो ये मैंने अमेजोन से वाइट कलर का ब्रिक वॉलपेपर मंगाया है एंड ये जो है मैंने 8 पीसेस मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और 8 पीसेस हैं और बहुत ही अच्छे हैं, मतलब लंबे हैं, साइज़ में अच्छे हैं। तो मुझे पहले तो लगा था कि कम पड़ जाएंगे मेरे को, क्योंकि मुझे जितना वॉल ढकना था उतना मुझे लग रहा था माइंड में जो मेरे चल रहे थे कि मतलब मुझे आएगा कि मतलब उतना साइज़ आएगा कि नहीं आएगा। बट धीरे धीरे देखा, जब साइज़ एक देखा तो हाँ समझ में आ गया कि हाँ लग जाएगा। तो मैंने पहले अच्छे से वॉल को अच्छे से झाड़ लिया है, झाड़ू मार करके मिट्टी वगैरह जितना भी है वो सबको, डस्टिंग वगैरह को हटा दिए डस्टिंग करके। और जो है पहला हम लोग, ये अमेज़ॉन का रियली अच्छी क्वालिटी में है, ये 8 पीसेस है, मुझे 1400 समथिंग का कुछ पड़ा है और बहुत ही लो बजट है। मैंने जितना भी यहाँ पर आप देख रहे हो ना, एक कवर्ड को छोड़कर और एक वॉल पेपर को छोड़ के मैंने और जो है बहुत ही मतलब सस्ते से चीज़ें मैंने बहुत लो बजट में रख रखा है। मैंने ख़रीदा सब कुछ है बट बहुत लो बजट में, क्योंकि एक छोटे यूट्यूबर को अपने जेब से लगाने के बाद, पैसा लगाने के बाद थोड़ी सी मतलब वीडियोस में इम्प्रूवमेंट होती है, फिर लोग देखना पसंद करते हैं और साथ के साथ हम इसके बाद धीरे धीरे हमारी कमाई होगी। तो धीरे धीरे जब कमाई होगी तो अच्छा अच्छा यूट्यूब सेटअप मैं करूँगी, बट अभी मेरा लो बजट है। अगर आप यूट्यूबर है या यूट्यूबर बनना चाहते हो और अपना बैकग्राउंड सेटअप क्रिएट करना चाहते हो तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, तो देखते रहना। और हाँ, साथ ही आप मुझे ना मतलब सजेस्ट भी कर सकते हो कि आप ऐसे कर लो, इस वीडियो में ऐसा कर लो, ऐसा मतलब जो है अपने बैकग्राउंड के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, तो प्लीज़ वो भी मुझे सजेस्ट करना, कमेंट डाउन करना, और मैं वो अगर मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो ज़रूर करूँगी। तो ये वाइट वाला ब्रिक है और ये जो है मतलब लंबाई इसकी बहुत अच्छी है, चौड़ाई उतनी नहीं है बट मतलब चौड़ाई भी ठीक है। मैं साइज़ ना मेंशन कर दूँगी, समझ लेना, मुझे साइज़ वगैरह ना समझ में नहीं आता, जब सामने आया तो हाँ समझ में आ गया कि हाँ मतलब बिल्कुल परफेक्ट था मेरे वॉल के लिए। और वाइट कलर का था क्योंकि मेरे घर में जो जहाँ मैं रहती हूँ अभी, वहाँ पर ना लाइट जितनी भी तेज़ लगा लूँ मैं, पर पेंट की वजह से जो वॉल पेंट है ना उसकी वजह से बहुत डीम हो जाती है लाइट, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डीम हो जाती है। मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स भी लगाई हैं बट फिर भी बहुत डीम पड़ जाती है। तो मैंने फाइनली अपने वॉलपेपर मतलब यूट्यूब सेटअप के लिए मैंने ये वाला वाइट वाला ब्रेक जो है मतलब मेरे माइंड में आया और मैंने यही वाला काफ़ी टाइम से मैं सेटअप करना चाह रही थी, बट बजट की वजह से, पैसों की वजह से, थोड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से फाइनेंशियली, उस वजह से मैंने जो है अभी तक सेटअप नहीं किया था। बट नाउ अब मैंने डिसाइड कर लिया है, नाउ मुझे जो है यूट्यूब मतलब करना है, यूट्यूब से ही अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है, बिकॉज मुझे अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी देखना है। उसी के लिए मैंने जॉब छोड़ी है बट मैं अपनी अर्निंग नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट, और मैं जो है एक मतलब अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, तो वो मैं नहीं छोड़ना चाहती। तो इसलिए मैंने जो है यूट्यूब का जो है, यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे वो मुकाम दे सकता है इसलिए। और साथ ही साथ आप वो लोग हो जिस मुकाम तक मैं पहुँचना चाहती हूँ, जो मैं अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ, वो आप लोग पहुँचा सकते हो, बना सकते हो मुझे। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं फ्रेंड्स, फटाफट से 2000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो। मैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन साथ में जो है गिव अवे करने वाली हूँ, प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो है
यहाँ तक जो है ना सिर्फ 3 वॉलपेपर लगे हैं और मुझे जहाँ तक लगाना था, ऊपर आप वायर देख रहे हो वहाँ तक मुझे लगाना था, क्योंकि मेरा भी बजट उतना ही था और मेरा जो कैमरा था ना, मतलब जो कैमरे जहाँ तक आता कैमरा, मैंने वहीं तक का वॉलपेपर रखा है, क्योंकि कैमरे में पूरी पूरी पूरा वॉल नहीं आएगा इस वजह से। और हमारे साथ मेरे जो है मेरी बेटी भी हेल्प करा रही है, जैसे जैसे उसके पापा कर रहे थे वैसे वैसे वो भी अपने पापा के साथ करी जा रही है। सो वो भी बहुत अच्छा वाला मोमेंट लग रहा था कि मतलब सब मिल करके, एक फैमिली मिल करके, बहुत सपोर्टिव है पतिदेव। मतलब हर छोटी से छोटी चीज़, मतलब मैं अगर कोई चीज़ सोचती हूँ या मैं चाहती हूँ तो वो चीज़ में बहुत सपोर्ट करते, बहुत फुली सपोर्टेड है उनकी तरफ से। तो मैं उनको स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस वीडियो में। और जो है उन्होंने इस तरह से मेरी हेल्प की है पूरी की पूरी, जैसे ये वॉल वगैरह डेकोरेट करने में, ये कबर्ड लेने के लिए भी वो मेरे साथ गए थे, तो उन्होंने हर जगह मुझे पूरा सपोर्ट किया है। जॉब करना चाहती थी, उन्होंने भी उसके लिए मुझे सपोर्ट किया। जॉब मतलब जब नेहल हो गई तब कैसे हम मैनेज करेंगे, कैसे कैसे हमने मैनेज किया है, वो सब उन्होंने उस समय भी मेरा साथ दिया, तो उनको उस चीज़ के लिए थैंक यू है। बस वो थोड़े कैमरे से शाई करते हैं, वो कैमरे में नहीं आना चाहते रहते, तो उस चीज़ का मैं रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। बट वो आज मुझे ये शेयर करना था मुझे कैसे मैंने सेटअप किया था, तो इसलिए वो आज कैमरे में हैं। उनको मैंने बहुत मुश्किल से मनाया है, एग्री किया है। तो ये जो है उन्होंने पूरा वॉल पे मतलब परफेक्टली उन्होंने जो है ना लगाया है वॉलपेपर को। और नेहल भी पूरा सपोर्ट कर रही थी, बट बहुत तंग भी कर रही थी वो बार बार। तो यहाँ पे ना मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सा ना वाइट वाली वायरिंग थी, जो डिश टीवी वाली होती है ना वो वाली, तो हमने जो है फायर स्टिक यूज़ कर रहे थे, तो वो वायर जो है ऐसी भी मतलब वेस्ट हो रही थी। तो ये वाली वायर जो दिख रहे हो ना आप, ये वाली वायर ना वो मतलब हमने हटा दी, और जहाँ आप ये देख रहे हो ये हमने ना हाफ ऑफ कर दी। आप इजीली इसको कट कर सकते हो, और इसकी ग्लू जो है ना, इसका जो ग्लू है वो बहुत अच्छा है। इसकी जो ग्लू मतलब इस वॉलपेपर का जो ग्लू है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बस बहुत ज़्यादा चिपकता है, नीचे भी गिर जाता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि नीचे एक या तो न्यूज़पेपर या तो चादर वगैरह जो वेस्ट हो ना वो आप लगा लेना, जिससे जो ग्लू वेस्ट गिरेगा भी अगर जैसे आप पेपर निकालते हो तो वो आपके जो फर्श है वो ख़राब नहीं करेगा। बाय द वे वैसे ये वॉलपेपर बहुत अच्छा लगा मुझे, इसमें आप जो है ना मतलब ये वॉशेबल है, कलर भी अगर बच्चा चला देता है तो भी मतलब वो अच्छे से आप साफ़ कर सकते हो, कोई दाग धब्बा भी नहीं लगेगा, तो वो सब क्लीन हो जाएगा। तो मेरा वॉलपेपर मुझे जहाँ तक लगाना था मैंने वहाँ तक लगा लिया है, इतना ही। और जो ये पहले जो आप बड़े बड़े साइज़ के जो पीसेस देख रहे हो ना, ये 6 थे, और ऊपर के ना मतलब 1.5, मतलब हमने हाफ ऑफ कट करके हमने 1.5 वाला यूज़ हो गया, थोड़ा सा बच गया है, हमने वो रख लिया है। और बहुत ही अच्छे से मैंने 8 पीसेस मंगाए थे, वो बहुत अच्छे से यूज़ हो गए। अब मैं यहाँ पे तैयार हो गई क्योंकि मुझे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी बनाने थे। तो मैंने ये जो है ये वाला जो आप कलरफुल देख रहे हो, ये जो हैंगर है वो मैंने जनपद से परचेज़ किया था। ये लाइट भी मैंने जनपद से परचेज़ किया था क्योंकि मेरा माइंड में था जब भी मैं यूट्यूब सेटअप क्रिएट करूँ तो ऐसा लगाऊँ। ये वाला जो है प्लांट मैंने रखा, मतलब प्लांट यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो के लिए, एक और प्लांट रखा है बट वो अभी मैंने बालकनी में रखा है, उसको यूज़ करना है। नेहल के ये जो घोड़ा देख रहे हो ना, नेहल की दादी ने उसको गिफ्ट किया था, बट मैंने यूज़ कर लिया, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब एक जो कॉर्नर है वो मतलब सजेस्ट कर मतलब सजाने के लिए, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। जब मन करेगा नेहल को वो खेल सकती है। तो ये बहुत ही लो बजट में है, मैं पूरा प्राइस वगैरह मेंशन कर दूंगी। मैंने ये 100 रुपीज़ का जो है हैंगर ख़रीदा है, 100 रुपीज़ का मैंने लैम्प ख़रीदा है। प्लांट आपके ऊपर है, आपके अकॉर्डिंगली है। और 1400 का ये वॉलपेपर है, और जो है 2200 रुपये का मेरा टेबल है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ सेटअप करना है तो आप कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, आप लो बजट पे आप जो है इस तरह का यूट्यूब सेटअप क्रिएट कर सकते हो। और ये लाइट वगैरह तो चाइनीज़ लाइट मिल जाती हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल ये था मेरा पूरा यूट्यूब सेटअप। अभी मैं धीरे धीरे और चीज़ें ऐड करूँगी, बट मतलब थोड़ा थोड़ा जब थोड़ा थोड़ा पैसे अरेंज करके थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, क्योंकि हर चीज़ में पैसा लगता है, तो थोड़ा थोड़ी चीज़ों को मैं थोड़ा अगले महीने जो है मैं थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।